guys, welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really really great. So guys, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक आज की वीडियो तो ऐसे मैं सो के उठी हूँ. I just saw that and I'm like, let's make this video because I think this video is very very important for all of you out there. और actually guys, अभी मेरी फ्लाइट भी है. मैं क्या पहले फ्लाइट जाने से पहले मैं जल्दी उठती हूँ, पहले वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद आई एम गोइंग फॉर द फ्लाइट. सो यस, और एक और बात बोला चाहिए, मेरे को कहीं भी ना लाइट नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने के लिए. सो आप देख रहे हो मैं स्टेयर गेस में खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए. सो मैंने कहा कि वीडियो बनाओ भाई जल्दी जल्दी, बिकॉज कल वाली वीडियो को 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं. मैंने कहा छोड़ो भाई, बाहर में जाए सारी चीज़ें, बट ये वीडियो पहुँचनी आप लोग को तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं बस नहाई हूँ और नहाने के बाद फट से मैंने कहा लेट्स मेक दिस वीडियो, उसके बाद फिर हम बाकी काम करेंगे. सो यस, सो गाइज प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड उसके बाद जैसा अप्लाई करना है क्या नहीं करना. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो. की जो वैकेंसीज निकली है वो निकली है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए. नो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन विल बी लाइक थिंग, विल बी थिंकिंग कि क्या होता है यार, ये क्या है अपना ये चीज़ अब समझ में नहीं आ रहा, पर इट्स ओके, चिल मैं हूँ ना आप लोग के लिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है. सो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इज सेम लाइक ग्राउंड स्टाफ गाइज, जैसे ग्राउंड स्टाफ आपको हेल्प करते हैं टिकटिंग में, यू नो मेरे साथ एक्सीडेंट हो, मेरा सांस चढ़ गया. सो गाइज एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन वही हैंडल करते हैं, वो लोग होते हैं जो आपकी ग्राउंड में आपको हेल्प करते हैं टिकटिंग के लिए. आपके कहाँ काउंटर्स हैं, जो काउंटर्स में इतने सारे लोग खड़े होते हैं एयरलाइंस के, सो वो लोग होते हैं जो आपको हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं. सो दे आर आर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, सो उन लोगों के लिए जॉब लेने के लिए. और सबसे बेस्ट बात ये है इस चीज़ की कि एटलीस्ट आई एम हैप्पी, क्योंकि लास्ट में ग्रेजुएशन निकाल रहे, ग्रेजुएशन निकाल रहे, ग्रेजुएशन निकाल रहे, बट नो 12th के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज सो वंडरफुल मैन, आप 12th में हो, यू कैन अप्लाई, वेरी नाइस. 12th वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. नहीं यार मैं नहीं अप्लाई कर सकता, सुनिए. सो ग्रेजुएशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बीच मैंने आपको कहा. और इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो बता दिया ऑलरेडी, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन जो रिक्वायर्ड, जो ऑमिशन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी. अगर आपको हिंदी आती है वेल एंड गुड, एंड इंग्लिश आती है वेल एंड गुड, पर इंग्लिश इज मेन मैंडेटरी लैंग्वेज गाइस. सो प्लीज मेक श्योर कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा और प्रैक्टिस करके जाइए. मैं काफी वीडियोस बनाई है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, प्लीज आप वो भी वीडियोस देख सकते हो साथ में. और रही बात कम्युनिकेशन के बारे में, पूछते हैं कि आपने लॉकडाउन में क्या किया क्या नहीं किया, यू नो जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लॉकडाउन के रिगार्डिंग भी, आप क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, वो भी जाके देख सकते हैं. और टेंशन लेने की बात है, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ ना, तो टेंशन मत लेना, मैंने उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाई है कि टेलीफोनिक पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आप कैसे बेटर टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो. यू विल बी थिंकिंग कि कैसे अप्लाई कैसे करें, भाई ठीक है ठीक है, आप नाम आपने मुझे बता तो दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट आप ये तो बताओ अप्लाई कैसे करें. इतनी एक्साइटमेंट आप लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, मेरे को ये नहीं पता अप्लाई कैसे करें. ओके रिलैक्स, ओके मैं हूँ, ठीक है. सो अप्लाई कैसे करना है गाइस, यू जस्ट हैव टू टाइप airasia.careers. ओके अगर आपको ये भी लग रहा है कि कैसे जाए यार, अब मिलेगा नहीं लिंक मुझे, इट्स ओके, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू. अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे. ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप जैसे ही क्लिक करोगे उसमें अपना आएगा अपना रिज्यूमे डालना है. ओके नाउ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, इट्स ओके. ओके मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखो, मैंने खुद का रिज्यूमे शेयर किया है आप लोग के साथ, तो बनाइए और उसके बाद अच्छी पिक्चर लगाइए, ऐसे बाल खोल के फैंसी की तरह नहीं लगानी पिक्चर्स, इट्स नीड टू बी वेरी सिंपल. ओके फॉर्मल्स में लगानी है पिक्चर, फॉर्मल्स में क्या पहन के जाना है उस चीज़ के रिगार्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं. और रही बात गाइज रिज्यूमे बहुत अच्छी तरह से बनाना, मैं यही बोलूँगी आप लोगों को, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छा रिज्यूमे हो, अट्रैक्टिव हो, और साथ साथ आपकी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट पिक्चर कैसी होनी चाहिए, दैट विल बी इन फॉर्मल्स, इट कैन बी लाइक पार्टी वेयर ड्रेस. हाँ अच्छा भी बात खुले अच्छे लगे तो वो बता देते नहीं. नाउ इफ यू हैव कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग फॉर्मल्स में क्या पहने क्या नहीं पहने, इट्स वेरी सिंपल, मेरी वीडियो देख सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग में, मैंने सारी की सारी वीडियो बना दी आप लोगों के लिए. आपको सिर्फ जाके जो भी वीडियो आपको चाहिए आपको सिर्फ टाइप करना है वो चीज़. ना फॉर एग्जाम्पल इफ आई टाइप ग्रू में बाय मानसी यादव, बस मानसी यादव पीछे डालो तो सारी वीडियोस मिल जाएगी. यार मतलब सीन आ गया, गर्मी में मर गई हूँ मैं, नहाया नहाया कोई बात नहीं, बर्ड सुखे तो क्या. मैं विंडो मैंने खोली हुई है, बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि घर में लाइट ना बहुत ऐसे पता नहीं क्यों हो रही है, डिम सी हो रही लाइट है, ब्राइट आ नहीं पा रही है वीडियो, सो इसलिए सो इट्स ओके बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू बिकॉज आई लव यू बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ना कॉन्फिडेंस नीड्स टू बी वेरी गुड. ओके इट कैन बी लाइक कि आपका कॉन्फिडेंस यू नो बुरा जा रहा है,
आपको कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा. गाइस इतने दिनों के बाद देखो कुछ जॉब निकल गई है राइट नाउ. कैबिन क्रू की जैसी वैकेंसीज निकलेंगी मैं हूँ अपलोड करने के लिए आप लोगों के लिए. देखो जो मेरा काम था आई हैव डन फॉर यू. ओके आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोस. हर एक चीज के लिए वीडियो मैंने अपलोड कर दिए. बस मुझे आप सब ये चाहिए एटलीस्ट आप जाइए जो सुब्रांसर बनना है एटलीस्ट गो एंड अप्लाई फॉर दैट. जैसे ही कैबिन क्रू की वैकेंसीज आएगी मैं वो भी अपलोड कर दूंगी आप लोगों के जितना जल्दी हो सकेगा. सो यही बोलूंगी कॉन्फिडेंस रखना. मुझे आपके सबके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ठीक है. मुझे हर लेवल कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है हर कोई जो भी इंटरव्यू के लिए जाएगा दे आर गोइंग टू क्रैक दिस इंटरव्यू ठीक है. और मैं हमेशा हूँ आप लोग के लिए ना गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंटरव्यूज. आई गिव यू टू पॉइंट्स टू ट्रिक्स टू क्रैक इंटरव्यूज. जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके डर लग रहा है इट्स ओके बट डोंट हैव टू शो इट. ओके आपको दिखाना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड कीप स्माइलिंग. स्माइल ऐसी चीज है जो इंटरव्यू फटाफट से क्रैक करा देगी ठीक है. सो कीप स्माइलिंग एंड यू विल डू इट आई नो दैट. ओके ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय फ्यूचर कैंडिडेट्स एंड आई लव यू सो मच. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा को वीडियो अच्छी लगी. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.